Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am here back to my channel. So, आज जो है जिस टॉपिक के ऊपर मैं आपको देने लगी हूँ लेक्चर, दैट इज सोशियो लिंग्विस्टिक्स. दिस विल बी कॉल्ड सोशियो लिंग्विस्टिक्स, नॉट सोशियो लिंग्विस्टिक्स. ओके, इसकी प्रोनंसिएशन जो है वो एक्चुअल में सोशियो लिंग्विस्टिक्स है, नॉट सोशियो लिंग्विस्टिक्स. में आई एम अगेन रिपीटिंग, इट्स सोशियो लिंग्विस्टिक्स, नॉट सोशियो लिंग्विस्टिक्स. सो सोशियो लिंग्विस्टिक्स इज द स्टडी ऑफ द कम्प्लेक्स रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड द सोसाइटी. तो सोशियो एंड द लिंग्विस्टिक्स, लिंग्विस्टिक लिंगुआ मीन लैंग्वेज एंड द सोशियो मीन सोसाइटी. सो द रिलेशनशिप बिटवीन द लैंग्वेज एंड द सोसाइटी इज कॉल्ड सोशियो लिंग्विस्टिक्स. सो सबसे पहले तो जो सोशियो लिंग्विस्टिक्स है, इसमें यह बताया जाता है कि हम सोशल कॉन्टेक्ट्स में, जो हमारे कॉन्टेक्ट्स हैं, हमारे सोशल कॉन्टेक्ट्स हैं, उनमें हम किस तरह बात कर रहे हैं, कौन सी लैंग्वेजेस से बात कर रहे हैं, कौन कौन सी लैंग्वेजेस यूज कर रहे हैं, और हम किस तरह से अपनी लैंग्वेज के थ्रू अपने मैसेज को कन्वे कर रहे हैं थ्रू सोशल मीनिंग, या अपना जो मैसेज है वो सोसाइटी को कैसे दे रहे हैं, अपना मैसेज कैसे कन्वे कर पा रहे हैं. सो वो लैंग्वेज हमने नोट करनी है और सोसाइटी के इंटरेक्शंस नोट करने हैं. सो आई विल कम टू दिस स्लाइड. सो इट आल्सो स्टडीज हाउ लैंग्वेज वैरायटीज डिफर बिटवीन ग्रुप्स सेपरेटेड बाय सर्टेन सोशल वेरिएबल्स, जिसमें आ जाता है एथनिसिटी, रिलीजन, स्टेटस, जेंडर, लेवल ऑफ एजुकेशन एंड एज. सो सोसाइटी में ये सारी चीजें आ सकती हैं. क्यों? क्योंकि हम, हमारी लैंग्वेज, हमारे जो रिलीजन यूज होता है, ठीक है, हम जो, हमारे जो रिलीजन स्टेटस है वो, जेंडर क्या है, हमारा लेवल ऑफ एजुकेशन क्या है, हमारी एज, एथनिसिटी. सो ऑल दिस डील्स विद द सोशियो लिंग्विस्टिक्स. हमारी जो लैंग्वेज है प्लस सोसाइटी के जो हमारे रिलेशन है सोसाइटी के साथ, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, कि सोसाइटी के साथ जो हमारे रिलेशन हैं वो किस टाइप के हैं. अगर वो एथनिसिटी के हवाले से हैं, देन इट विल बी देयर फॉर दैट मैटर. अगर रिलीजन के हिसाब से हैं, हमारे स्टेटस के हिसाब से हैं, जेंडर, लेवल ऑफ एजुकेशन के हिसाब से हैं, एज के हिसाब से हैं, फिर वो उसके आगे फर्दर बहुत सारे पॉइंट्स आ जाते हैं. सो किस तरह से हम अपनी बात कन्वे करते हैं, हमारा रिलीजन लेवल कैसा है, हमारा स्टेटस कैसा है, हमारा लेवल ऑफ एजुकेशन कैसा है, सोसाइटी को हम अपना मैसेज कैसे कन्वे कर पाते हैं. सो द लैंग्वेज यूज बाय द पार्टिसिपेंट्स इज इन्फ्लुएंस्ड बाय नंबर ऑफ सोशल फैक्टर्स. अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि मैंने ये जो लाइन पढ़ी है, इसमें सोशल फैक्टर्स का क्या मतलब है. यानी कि इस पूरी लाइन का मतलब ये है ना कि लैंग्वेज जो हम पार्टिसिपेंट्स यूज करते हैं वो इन्फ्लुएंस होते हैं, असर अंदाज होते हैं किसकी वजह से, नंबर ऑफ सोशल फैक्टर्स की वजह से. सो व्हाट इज अ सोशल फैक्टर, सोशल फैक्टर है क्या. सो व्हाट लैंग्वेज पीपल चूज टू स्पीक इन एन एक्सचेंज इज डिटरमाइंड बाय सोशल फैक्टर्स. यानी कि आप कोई लैंग्वेज चूज करते हैं, मतलब आपकी लैंग्वेज जो है वो उर्दू है, आप दूसरी लैंग्वेज यूज करते हैं, एक्सचेंज करते हैं लैंग्वेज को इंग्लिश को, ताकि दूसरा बंदा समझ पाए. ठीक है, एक बंदा वहां पे जिसको उर्दू बिल्कुल नहीं आती है, जिसको उर्दू समझ नहीं आती है, आप उर्दू बोली जा रही हो जी, तो आपको उसको कुछ समझ नहीं आ रही है, उसके ऊपर से ही गुजर रही है, तो आप वहां पे एट दैट टाइम आप समझ जाते हो, या दूसरा कोई आपका पार्टिसिपेंट आपको बताता है कि हाँ जी ये बंदा सिर्फ इंग्लिश के अलावा और कोई लैंग्वेज समझ नहीं सकता, अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, तो आप फौरन से वहां पे उसकी उर्दू, अपनी उर्दू लैंग्वेज को छोड़ेंगे एंड यू विल बी ट्रांसलेटेड योर सेंटेंसेस और योर मैसेज इनटू एन इंग्लिश लैंग्वेज. तो ये होगा लैंग्वेज का और सोसाइटी के डिफरेंसेस और इनके दरमियान जो रिलेशनशिप है वो. सो ये कम्प्लेक्स रिलेशनशिप है इन दोनों चीजों के दरमियान, लैंग्वेज सोसाइटी के दरमियान. आपको थोड़ा समझने में मुश्किल होगा, बट इट इज वेरी इजी. सो द पार्टिसिपेंट्स जिसमें आ जाते हैं, हमारे पास एज आ जाती है, रैंक्स आ जाते हैं एंड रिलेशनशिप्स आ जाते हैं. ठीक है, मैंने जैसे कि अभी आपको बताया, आपके साथ आपका कोई पार्टिसिपेंट है, लाइक आपका कोई रिलेटिव हो सकता है, आपका कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई एज फेलो हो सकता है, कोई रैंक फेलो हो सकता है, तो इस तरह से पार्टिसिपेंट्स में आ जाते हैं. देन सेटिंग में आप होम फॉर्मल मीटिंग कर रहे होते हैं. ठीक है, फॉर्मल में आप जो लैंग्वेज बोल रहे होते हैं, घर में आप जो लैंग्वेज बोल रहे होते हैं, आप सब जानते हैं कि हकीकत में ऐसा नहीं है, आप बाहर वो लैंग्वेज नहीं बोल रहे होते हैं.
अगर आप जो है वो लैंग्वेज घर में जो बोल लेते हैं वो पंजाबी बोलते हैं और बाहर जो है वो उर्दू बोल लेते हैं, तो इन दोनों में डिफरेंस आया कि नहीं आया? सो सोसाइटी को आप क्या दिखाना चाहते हैं, फिर उसकी सेटिंग जो है यानी कि उस सोशल फैक्टर्स के हवाले से, ठीक है, जो आप सोशियो लिंग्विस्टिक्स है वो यूज तब की जाती है, उस प्रॉपर उसकी सेटिंग की जाती है, ठीक है, हर सोशल फैक्टर के हवाले से आप उस सोशियो लिंग्विस्टिक्स को अप्लाई कर सकते हो। फिर टॉपिक आ जाता है मार्टेनिस स्किल्स, कुकिंग, एग्जाम्स, जो भी चीजें हैं, फंक्शन जैसे गेटिंग अ लोन, हायर अ मेड, हायरिंग अ मेड, आस्किंग परमिशन टू लीव द रूम, यानी ये जितने भी पॉइंट्स हैं ना, ये चारों के चारों, इन चारों में वो सब के सब फंक्शंस हैं जो हमारे एवरीडे लाइफ में हमारे शामिल होते हैं। तो रियल लाइफ में जो है वो हमारे ये पॉइंट्स जो है सारे के सारे आ जाते हैं, लेकिन डिफरेंट हर हर तरीके का, जैसे आप घर पे कोई और लैंग्वेज यूज करते हो, कुछ आपके एज वैल्यूज है उनके साथ कोई और लैंग्वेज बिल्कुल ही फ्री हो जाते हैं उनके साथ, ओके। फिर आपके स्किल्स हैं, आप टेनिस स्किल्स, कुकिंग, एग्जाम्स, हर जगह पे मुख्तलिफ लैंग्वेज यूज करते हो, सोसाइटी के साथ आपके इंटरेक्शंस, आपके मैसेजेस कन्वे करने का तरीका डिफरेंट है, आपकी लैंग्वेज जो है वो यूज करने का तरीका डिफरेंट है, एंड देन फंक्शंस की मैं, फिर आप लोन कैसे लेते हो, फिर उसके उसकी लैंग्वेज डिफरेंट है, आपने कोई मेड हायर करनी है अगर वो पंजाबी बोल रही है तो ऑब्वियसली आप भी पंजाबी बोलोगे, इंग्लिश तो बोल नहीं सकते कि उसको समझ नहीं आ रही है, ठीक है। फिर आपने अगर रूम को लीव करना है तो उसके लिए आप परमिशन लोगे तो उसके भी कोई और तरीके की लैंग्वेज होगी या उसी टाइप की कोई लैंग्वेज होगी, ये फैक्टर्स डिफरेंट है लेकिन आपको समझ तब आएगी जब आप इसके फैक्टर्स और आगे से स्टडी करोगे। सो सोशियो लिंग्विस्टिक्स वर्सेस द सोशियोलॉजी ऑफ द लैंग्वेज, तो यहाँ पे हम सिर्फ सोशियो लिंग्विस्टिक्स पढ़ेंगे और हम देखते हैं कि इसमें क्या आ रहा है। सोशियो लिंग्विस्टिक्स, सॉरी, सोशियो लिंग्विस्टिक्स इन्वेस्टिगेटिंग द रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड द सोसाइटी विद द गोल ऑफ अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज एंड ऑफ लैंग्वेज हाउ लैंग्वेजेस फंक्शन इन कम्युनिकेशन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सोशियो लिंग्विस्टिक्स है क्या, आई एम अगेन रिपीटिंग कि सोशियो लिंग्विस्टिक्स आपको समझ आ रहा होगा कि ये रिलेशनशिप है लैंग्वेज और सोसाइटी के दरम्यान का। उसमें हम लैंग्वेज का स्ट्रक्चर समझते हैं और ये देखते हैं कि जो लैंग्वेज हम बोल रहे हैं उसका कम्युनिकेशन में, उसका हमारी सोसाइटी में क्या रोल है। फिर हम आते हैं सोशियोलॉजी ऑफ लैंग्वेज के पास। इसके पास अगर हम आते हैं तो ये कहती है कि सोशियोलॉजी ऑफ लैंग्वेज ये कहती है कि हाउ सोशल स्ट्रक्चर कैन बी बेटर अंडरस्टूड थ्रू द स्टडी ऑफ लैंग्वेज, कि अगर आपके पास कोई लैंग्वेज है तो उस लैंग्वेज से आप सोशल स्ट्रक्चर कैसे बेहतर कर सकते हैं। हाउ सर्टेन लिंग्विस्टिक फीचर्स सर्व टू कैरेक्टराइज पार्टिकुलर सोशल अरेंजमेंट, तो आपके आप जो लैंग्वेज है आपकी, आपको सोसाइटी में उसको कैसे अरेंज करोगे, अगर आपने कोई मैसेज कन्वे करना है सो हाउ विल यू अरेंज दैट। तो दिस इज द पॉइंट कि सो सोशियो लिंग्विस्टिक्स में चीज क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड द सोसाइटी, उसमें हम क्या पढ़ते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज और हमारी लैंग्वेज किस तरह से रोल यानी उसका रोल क्या है, किस तरह से किरदार अदा कर रही है थ्रू इन कम्युनिकेशन और इन कन्वेइंग आवर मैसेज टू सोसाइटी। जी तो ये ह्यूडसन है, 1980 में इन्होंने दो डेफिनेशंस दी हैं, ठीक है, उन्होंने डेफिनेशंस क्या, इसको कैसे डिफाइन किया है, एक तो उन्होंने सोशियो लिंग्विस्टिक को डिफाइन किया है, देन वो सोशियोलॉजी ऑफ लैंग्वेज को डिफाइन करते हैं। थोड़ी सी प्रोनाउंसिएशन मिस हो जाती है, कभी सोशियो बोल देती हूँ कभी सोशियो बोल देती हूँ, सो एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन इज सोशियो लिंग्विस्टिक्स। सो सोशियो लिंग्विस्टिक्स इज द स्टडी ऑफ लैंग्वेज इन रिलेशन टू सोसाइटी। सो ये हमने रीड किया था क्योंकि तीन चार डेफिनेशन है, कुछ ह्यूडसन कुछ और जो है इन डेफिनेशन के जो है इस तरह से, तो राइटर्स वगैरह जिनको हमने देखना है और पढ़ना है इस तरह से, तो इट विल बी बेटर फॉर यू अगर आपकी मार्किंग आप चाहते हैं अच्छी हो तो आपको राइटर्स के नाम साथ लिख के डेफिनेशन जो है वो वहाँ पे पेस्ट कर दें। सो सोशियो लिंग्विस्टिक्स यहाँ पे ये बताते हैं कि सोशियो लिंग्विस्टिक्स स्टडी है किसकी, लैंग्वेज की सोसाइटी में रिलेशन क्या है, यानी कि ये कहते हैं कि सोसाइटी में हमारी लैंग्वेज का रिलेशन क्या है। हम जो लैंग्वेज बोलते हैं, हम सोसाइटी के साथ जब कम्युनिकेट करते हैं तो हमारी लैंग्वेज किस टाइप की यूज हो रही है, उस लैंग्वेज का रोल क्या है। सो सोशियोलॉजी ऑफ लैंग्वेज को ये कहते हैं कि द स्टडी ऑफ सोसाइटी इन रिलेशन टू लैंग्वेज। फिर ये है सेम ही, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये कहते हैं कि सोसाइटी का लैंग्वेज के साथ क्या रिलेशन है। सोशियो लिंग्विस्टिक्स में हम कहते हैं कि लैंग्वेज का सोसाइटी के साथ क्या रिलेशन है,
और सोशियोलॉजी ऑफ लैंग्वेज में हम पढ़ते हैं कि सोसाइटी का रिलेशन क्या है लैंग्वेज के साथ, आया कि जो हम लैंग्वेज बोल रहे हैं उसका सोसाइटी का उसके साथ क्या रिलेशन है, वो इंटरेक्ट कर पा रही है उसके साथ कि नहीं कर पा रही है. सो इनकी सिमिलैरिटीज क्या है, दोनों में क्या सिमिलैरिटीज हैं, क्या मतलब दोनों की चीजें सेम हैं. बोथ रिक्वायर सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज, दोनों में जो है वो सिस्टमैटिक स्टडी होती है दोनों लैंग्वेजेस में, सोशियो में भी और सोशियोलॉजी में भी. इन शॉर्ट सोशियो लिंग्विस्टिक्स इट्स मेन फोकस इज सोसाइटी ऑन लैंग्वेज. ठीक है, सोशियो लिंग्विस्टिक्स का जो मेन फोकस होता है वो सोसाइटी ऑन लैंग्वेज होता है, यानी कि सोसाइटी का जुबान के ऊपर होता है. और जो सोशियोलॉजी होती है इसका मेन फोकस होता है कि जो हम जुबान बोल रहे हैं उसका सोसाइटी पे क्या असर है. अब यहाँ पे देखें कि एक साइकिल चल रही है ना, सोशियो लिंग्विस्टिक्स टू सोशियोलॉजी, इन दोनों के दरमियान एक साइकिल चल रही है. सोशियोलॉजी सोशियो सॉरी सोशियो लिंग्विस्टिक्स कहता है कि मेरा फोकस ये है कि सोसाइटी का जो सोसाइटी है उसमें लैंग्वेज जो हम बोल रहे हैं उसका क्या असर होता है. और जो सोशियो लिंग्विस्टिक्स है उसका फोकस होता है कि लैंग्वेज किस तरह से हमारी सोसाइटी पर इफेक्ट कर रही है, उसका क्या रोल है. ठीक है, आई एम अगेन रिपीटिंग कि सोशियो लिंग्विस्टिक्स जो है इसका मेन फोकस होता है कि किस तरह से जो है सोसाइटी वो उस लैंग्वेज को यूज कर पा रही है, उस लैंग्वेज के साथ कैसे कम्युनिकेट कर पा रही है, और थ्रू यूजिंग दैट लैंग्वेज वो किस तरह से उस लैंग्वेज को अपनी डेली लाइफ में यूज कर रहे हैं. सो सोसाइटी ऑन लैंग्वेज एंड द लैंग्वेज ऑन सोसाइटी, ये दोनों चीजें आपने याद रखनी है. सोशियोलॉजी जो है उसको फोकस होता है कि लैंग्वेज के इफेक्ट्स क्या है सोसाइटी के ऊपर. सो रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड द सोसाइटी, अब मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल देना चाहूंगी कि एज ग्रेडिंग फिनोमिना है यहाँ पे. यंग चिल्ड्रन स्पीक डिफरेंटली फ्रॉम ओल्डर चिल्ड्रन. ठीक है, अब जो छोटा बच्चा होता है वो हम बड़ों से बहुत ही मुख्तलिफ तरीके से बोलता है. एंड इन टर्न चिल्ड्रन स्पीक डिफरेंटली फ्रॉम मेच्योर एडल्ट. ठीक है, एक यंग बच्चा है वो हम बड़ों से मुख्तलिफ बोलता है. ठीक है, वो उसकी जुबान हमसे बहुत मुख्तलिफ है, उसकी सोच मुख्तलिफ है. हम सोच की साइड पे नहीं जाएंगे, हम सिर्फ लैंग्वेज और सोसाइटी के ऊपर वो बात करेंगे. एंड इन टर्न चिल्ड्रन स्पीक डिफरेंटली फ्रॉम मेच्योर एडल्ट्स. फिर जो बच्चे आ जाते हैं वो मेच्योर एडल्ट्स होते हैं, जो बड़े बूढ़े होते हैं, या जैसे हमारे फादर मदर वगैरह अंकल आंटियाँ वगैरह जो होती हैं उनसे डिफरेंट होते हैं हम. फिर हमारी सोच जो होती है, ठीक है, वो उन बड़ों से बहुत मुख्तलिफ होती है और उनकी हमसे बहुत मुख्तलिफ होती है. सो दिस इज द डिफरेंस. ठीक है, ये होता है लिंग्विस्टिक स्ट्रक्चर और बिहेवियर. फिर स्टडीज में हमारे पास आ जाता है द वराइटीज ऑफ लैंग्वेज दैट स्पीकर यूज रिफ्लेक्ट सच मैटर्स देयर रीजनल सोशल और एथनिक ऑरिजन एंड पॉसिबल सेक्स. देन हम आते हैं अदर स्टडीज के ऊपर. पार्टिकुलर वेज ऑफ स्पीकिंग चॉइसिस ऑफ वर्ड्स एंड रूल्स ऑफ कन्वर्सिंग आर डिटरमिन्ड बाय सोशल रिक्वायरमेंट. जिस तरह से हमारे बोलने के तरीके हैं, हमारे वर्ड चूज करने के तरीके हैं, स्टडीज की बात कर रही हूँ. ओके, स्टडीज की बात कर रही हूँ. एंड देन रूल्स फॉर कन्वर्सिंग आर डिटरमिन्ड बाय सोशल रिक्वायरमेंट. हमारे स्टडीज में जैसे आपके पास बुक होती है इंग्लिश की, आप उसको अपने फ्रेंड को समझाने के लिए बस उर्दू में ट्रांसलेट कर देते हो. आपका तरीका कुछ और है, बुक का तरीका एक्सप्लेन करने का कुछ और है. सो दिस इज हाउ इट इज कॉल्ड सोशियोलिंग्विस्टिक्स. देन द रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड द सोसाइटी. अब हम वो जो है सोशियोलिंग्विस्टिक्स ही पढ़ रहे हैं और अब हम जो है सोशियोलॉजी ऑफ लैंग्वेज यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे. तो रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड सोसाइटी, ये डेफिनेशन है सोशियो लिंग्विस्टिक्स की. अब इसको एक्सप्लेन करते हैं फर्दर के ये है क्या. लिंग्विस्टिक स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर मे आइदर इन्फ्लुएंस और डिटरमिन सोशल स्ट्रक्चर. द इन्फ्लुएंस इज बाय डायरेक्शनल. लैंग्वेज एंड सोसाइटी मे इन्फ्लुएंस ईच अदर, देयर इज नो रिलेशनशिप एट ऑल. तो इसमें तीनों पॉइंट्स में बजाय एक ही बात नजर आ रही है कि लैंग्वेज और सोसाइटी एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं. ठीक है, लेकिन ये इन्फ्लुएंस जो होगा ये बाई डायरेक्शनल होगा, इसमें कोई रिलेशनशिप नहीं होगा लैंग्वेज और सोसाइटी का. ठीक है, एक दूसरे को इन्फ्लुएंस तो कर सकते हैं, एक दूसरे का बिहेवियर देख सकते हैं, इनका लिंग्विस्टिक स्ट्रक्चर तो डिफरेंट होगा, लेकिन ये बाई डायरेक्शनल होगा, उनके दरमियान कोई रिलेशनशिप नहीं होगा.
हमारे पास वही चीज आ जाती है, ये हमने अभी पहले पढ़ा है कि सोशल फैक्टर्स में पार्टिसिपेंट्स आ जाते हैं, होम वर्क स्कूल एंड देन इंफॉर्मेटिव सोशल टॉपिक में ये सारी चीजें आ जाती हैं। ठीक है, पार्टिसिपेंट में हु इज टॉकिंग टू होम, यानी पार्टिसिपेंट्स में होता है कि कौन बोल रहा है किसके साथ और क्या बोल रहा है। सोशल सेटिंग एंड फंक्शन ऑफ इंटरेक्शन में होम वर्क और स्कूल आ जाते हैं एंड द एम और पर्पस ऑफ द इंटरेक्शन इज इंफॉर्मेटिव एंड सोशल। टॉपिक का मतलब होता है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, व्हाट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट, ठीक है, किसके बारे में बात हो रही है, एंड द पार्टिसिपेंट्स मीन के किससे बात हो रही है। एग्जाम्पल देखेंगे यहाँ पे हम, तो यहाँ पे रे कहता है हाय मॉम, मॉम हाय यू आर लेट। रे कहता है कि हाय मॉम, यानी कि अम्मी अम्मी से कह रहे हैं कि हाय। वालदा जो है उसकी कह रही है कि आप लेट हो, यू आर लेट। रे कह रहा है या दैट बास्टर्ड सूट बकेट केप्ट अस इन अगेन, ठीक है, कि उसने हमें, मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगी, दैट्स रियली स्टूपिड वर्ड, तो उस सूट बकेट ने जो है हमें दोबारा रख लिया था, वहां पे बैठा लिया था। मम नाना इज हियर। रे ओह सॉरी वेयर इज शी। अब देखिए यहाँ पे कि पहले बात हुई, उसने कहा हाय मम, ठीक है, माँ कहती है हाँ हाय ठीक है, वालेकुम अस्सलाम, ये जो भी, जैसे अब हम यहाँ पे कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम अम्मी, ठीक है, माँ कहती है वालेकुम अस्सलाम, आज तुमने देर कर दी, ठीक है, और बदले में बच्चा कहता है कि हाँ जी फलाने ने हमें ऐसे ऐसे मतलब रोक लिया था, तो ये हो गया था, वो हो गया था, वो रीजंस वगैरह दिए। फिर उसकी बात को फोकस ना करते हुए माँ ने कहा कि नैनाज हेयर, ठीक है। रे कहता ओह सॉरी कहाँ है वो। चार बल्कि पांचों सेंटेंसेस में इनका कोई कनेक्शन नहीं लग रहा है आपस में, पांचों के पांचों इनका अपना तरीका है दोनों का सेंटेंसेस को कन्वे करने का, कम्युनिकेट करने का और लैंग्वेज को यूज करने का। लैंग्वेज सर्व्स अ रेंज ऑफ फंक्शंस टू आस्क फॉर एंड गिव पीपल इंफॉर्मेशन, टू एक्सप्रेस इंडिग्नेशन एंड अनॉयंस एज वेल एज एडमिरेशन एडमायरेशन एंड एक्सप्रेस फीलिंग्स। तो आप पीछे देख रहे थे कि इस एग्जाम्पल में ही सेम इसका एनालिसिस किया गया है, तो इसमें ये बताया गया है कि जो दो पार्टिसिपेंट्स फॉर एग्जाम्पल हैं, ठीक है, उनका पहले का तरीका बोलने का कुछ और होगा, अपना मैसेज कन्वे करने का तरीका कुछ और होगा, एक्सप्रेस करने का, दूसरे का मैसेज लेने का तरीका कुछ, उसको एक्सप्रेस करने का, उसका फंक्शन, वो सारा कुछ तरीका जो है फीलिंग्स का कुछ और होगा। सो इस एग्जाम्पल में बस ये डिफरेंसेस बताए गए कि किसकी लैंग्वेज अपने हवाले से ठीक है, किसकी लैंग्वेज अपने हवाले से गलत है, दैट्स ऑल। फिर हमारे पास दूसरी एग्जाम्पल आ जाती है, रे गुड आफ्टरनून सर, प्रिंसिपल व्हाट आर यू डूइंग हियर एट दिस टाइम। रे मिस्टर सटन केप्ट अस इन सर। सो अब इसकी एग्जाम्पल जो है आप अगर खुद कर सकते हैं तो कर लें, क्योंकि इसका मुझे आपने कमेंट में जरूर बताना है कि आपको इसकी क्या समझ आई है, बट मैं इसका एनालिसिस आपको जरूर कर दूंगी। तो जी रेस में क्या कहता है कि गुड आफ्टरनून सर, ठीक है, प्रिंसिपल जो है उसको ऑलरेडी गुस्सा आया हुआ था बिकॉज ही वॉज लेट, तो उसको वो थोड़ा सा झाड़ लेता है कि हाँ जी आप यहाँ पे इस टाइम पे क्या कर रहे हैं। तो रे कहता है कि मिस्टर सेटन कैप्ट अस इन सर, यानी आप प्रिंसिपल के बात करने का तरीका देखें और रे के दोनों सेंटेंसेस में बात करने का तरीका देखें। रे का कम्युनिकेशन लेवल प्रिंसिपल के साथ किस तरह है, वो उससे किस तरह बात कर रहा है और प्रिंसिपल उससे किस तरह से कम्युनिकेट कर रहा है, ये डिफरेंसेस चेक करने हैं आपने। सो एग्जांपल 3 इज वेरी लेंथी, आई थिंक वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी, लेंथी जाएगी, लेकिन पढ़ लेते हैं। एवरी आफ्टरनून माई फ्रेंड पैक्स हर बैग एंड लीव्स हर कार्डिफ ऑफिस एट अबाउट 5 o'clock। एज शी लीव्स हर बिजनेस पार्टनर सेज गुड बाय मार्गरेट। She replies goodbye Mike. Her secretary says goodbye Miss Walker. She replies goodbye Jill. And the caretaker says bye Mrs. Walker. To which she responds goodbye Andy. As she arrives home, she is greeted by hi mom from her son Jamie. Hello dear, have a good day from her mother and simply you are late again from her husband. तो इस एग्जाम्पल रियली बहुत ही आसान है। इस एग्जाम्पल में सिंपल बताया गया है कि एक लड़की है, वो बता रही है कि मेरी जो फ्रेंड है वो अपना बैग पैक करती है और कार्डिफ ऑफिस से वो 5 बजे निकल जाती है, ठीक है। तो जब वो जहां वहां से जा रही होती है, वहां से लेकर उसके घर तक का सफर, उसमें कितने लोग उसको मुख्तलिफ नामों से पुकारते हैं,
उसका बिजनेस पार्टनर उसको मार्गरेट उसके नाम से बुलाता है, फिर वो उसका सेक्रेटरी जो है उसे मिस वॉकर के नाम से बुलाता है, फिर वो जो है उसकी केयर टेकर उसे मिसेज वॉकर कह के बुलाती है, ओके। फिर वो जो घर जाती है तो उसकी माँ से जो है वो उसके नाम से कह के बुलाती है, और फिर जो जो उसका बेटा है वो उसको किसी और सेंटेंस के नाम से कह के बुलाता है, फिर उसका हस्बैंड जो है कोई और सेंटेंस बोलता है, यानी कि वो जहाँ से उसका ऑफिस से लेकर उसके घर तक का जितना भी सफर रहा है उसमें सोशियो लिंग्विस्टिक्स आता है, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट वेज ऑफ लैंग्वेजेस जो है वो यहाँ पे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के जो तरीके हैं वो बताए गए हैं कि किस तरह से लैंग्वेजेस चेंज होता हो जाती हैं, लेकिन वो उनका मैसेज किसी एक की तरफ ही होता है, ठीक है। देन आई थिंक आप भी बोर हो चुके हैं, आई एम ऑल्सो गेटिंग बोर्ड, सो लेकिन मैं ये भी एग्जाम्पल जो है बताना पसंद करूंगी। सो लेटर इन द इवनिंग द प्रेजिडेंट ऑफ द लोकल फ्लावर क्लब कॉल्स टू आस्क इफ शी वुड लाइक टू ज्वाइन। गुड इवनिंग, इज दैट मिसेस बिलिंगटन? शी आस्क, नो इट्स मिस वॉकर, बट माई हजबेंड्स नेम इज डेविड बिलिंगटन। शी आंसर्स, वॉट कैन आई डू फॉर यू? फाइनली अ फ्रेंड कॉल्स बोरडर मैग, हाउज थिंग। इसमें कुछ भी नहीं है, सिंपल क्या है कि एक जो है प्रेसिडेंट जो है वो इनवाइट करता है, लेकिन वो फिर बाद में गुड इवनिंग कहता है, वो कुछ और बात कर रहा है, यहाँ पे कुछ और बात हो रही है, तीसरे में कुछ और बात हो रही है, जो लास्ट सेंटेंस है उसमें तो बिल्कुल ही चेंजिंग हो गई है। यानी हर बंदा अपने तरीके से सोसाइटी में अपनी मैसेज को कन्वे करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल 4 में इग्नोर कर रही हूँ, सोशल डिस्टेंस कंसर्न विद पार्टिसिपेंट रिलेशनशिप, इसको भी इग्नोर कर रही हूँ, और ये भी इससे इतना मैटर नहीं करता है। सो मेन फोकस जो मेरा था आज वो था सोशियो लिंग्विस्टिक के ऊपर, ठीक है। और वर्ड चॉइसेस डिपेंड ऑन हु वी आर टॉकिंग टू, जो हमारे लफ्ज लफ्ज की चॉइसेस होती हैं उस पे ही डिपेंड करता है कि हम किसके साथ बात कर रहे हैं। फिर लैंग्वेज चॉइसेस कन्वे इंफॉर्मेशन अबाउट द सोशल रिलेशनशिप बिटवीन पीपल एज वेल एज अबाउट द टॉपिक ऑफ डिस्कशन। फिर लिंग्विस्टिक वेरिएशन अकर्स एट अदर लेवल्स ऑफ लिंग्विस्टिक्स एनालिसिस, साउंड्स, वर्ड स्ट्रक्चर, ग्रामर एज वेल एज वोकैबुलरी। हम जैसे वर्ड यूज करेंगे, जैसे ही हमारी लैंग्वेज चूज करेंगे, वैसे ही हमारी वोकैबुलरी होगी, वैसे ही हमारी साउंड होगी, वैसे ही हमारा वर्ड स्ट्रक्चर और ग्रामर होगा, ठीक है। सोशियो लिंग्विस्टिक्स इज अ फील्ड ऑफ स्टडी दैट रिसर्च ऑन हाउ लैंग्वेज इज यूज्ड इन द कम्युनिटी, कि जो लैंग्वेज हम यूज कर रहे हैं वो कम्युनिटी में जो वो लैंग्वेज कैसे यूज होती है। फिर ये सोशल फैक्टर्स नीचे बताए गए हैं कि ये सोशल फैक्टर्स हैं, इनमें ये लैंग्वेज जो है वो इस तरह से बोली जाती है। यहाँ पे एंड करते हैं क्योंकि इस तरह से यहाँ पे नहीं आता, ये क्वेश्चंस हैं मेन। और यहाँ पे व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन सोशियोलॉजी एंड द सोशियोलिंग, ओके। यहाँ पे आई थिंक सोशियो लिंग्विस्टिक्स, ओके, वो पूरा लिखना जो है भूल गई थी। तो द पोजिशन ऑफ सोशियो लिंग्विस्टिक्स इन लिंग्विस्टिक स्टडी एंड सोशियो लिंग्विस्टिक फिनोमिना अराउंड यू, द बेनिफिट ऑफ स्टडींग सोशियो लिंग्विस्टिक्स। अब देखें यहाँ पे ये वर्ड जो है ये एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन है यहाँ पे सोशियो की, ठीक है। हम यहाँ पे सोशियो तो लिखते हैं बट इसकी प्रोनाउंसिएशन है सोशियो लिंग्विस्टिक्स। आप इसकी स्लाइड के ऊपर भी नाम देख सकते हैं कि ये मेंशन हुआ हुआ है सोशियो लिंग्विस्टिक्स, ओके। आई थिंक ये कॉपी वाली फॉर्म में चला गया था। तो विलियम लेबोव जो है वो कहते हैं कि उन्होंने इंट्रो करवाया है इसका सोशियो लिंग्विस्टिक्स का, और वो कहते हैं कि जो बेनिफिट ऑफ स्टडिंग सोशियो लिंग्विस्टिक्स है वो क्या है कि किस तरह से हम डिफरेंस कर सकते हैं सोसाइटी का लैंग्वेज में और लैंग्वेज का सोसाइटी के ऊपर। फिर वो है सोशियो लिंग्विस्टिक्स का फिनोमिना जो है वो बताते हैं कि आपके लैंग्वेज और सोसाइटी का अपने अराउंड में क्या करदार है। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड माई गाइस, यहाँ तक तो आपको होप्स हो कि समझ आ जाना चाहिए, क्योंकि इट्स रियली इजी। सोशियो लिंग्विस्टिक एक्चुअल में है क्या, द रिलेशनशिप बिटवीन द लैंग्वेज एंड द सोसाइटी। और सोशियोलॉजी ऑफ लैंग्वेज जो है उसका डिफरेंस भी आपको मैंने बताया था, इन ए वेरी शॉर्ट फॉर्म मैंने आपको बता दिया था। यहाँ पे डेफिनेशन भी थी ये वाली कि सोशियो लिंग्विस्टिक्स इज द मेन फोकस इज ऑन इट्स मेन फोकस इज ऑन
सोसाइटी ऑन लैंग्वेजेस, ठीक है, एंड सोशियोलॉजी का मेन फोकस होता है लैंग्वेज इफेक्ट्स ऑन द सोसाइटी. सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड. यहाँ पे मैं जल्दी से जो है इसकी एंडिंग करूंगी, क्योंकि यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये बस इतना ही होना चाहिए था इसका लेक्चर, क्योंकि ये एंडिंग थी. ओके, सो दैट्स ऑल. अब मैं जो है इंशाल्लाह एक नए लेक्चर के साथ आपके साथ हाजिर होंगी. बट प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि कमेंट करके मुझे बता दिया करें भाई क्या आपको क्या समझ आया क्या नहीं आया. मुझे कुछ भी नहीं पता होता अगर आप मुझे बताएंगे नहीं कमेंट करके कि आपको क्या नहीं समझ आया, तो मुझे कैसे समझ आएगी कि आपको क्या नहीं समझ आई. मैं तो अपने तरीके से हर हवाले से कोशिश करती हूँ कि मेरा मैसेज आता आप लोगों तक पहुंच जाए, मेरा एक एक पॉइंट आप लोगों को पता चले. बट नो कॉमेंट, कोई कमेंट नहीं होता, कोई बताते ही नहीं है कि हमें जी कैसा फील हुआ या मतलब कौन सा पॉइंट समझ नहीं आया. बट इंशाल्लाह इट वाज माय न्यू चैनल बिफोर 5 days, तो इंशाल्लाह आई विल बी गेटिंग मोर सब्सक्राइबर्स. तो ज़्यादा सब्सक्राइबर्स होंगे तो जाहिर सी बात है कमेंट्स होंगे. तो इंशाल्लाह मेरी वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को. ओके जी, अल्लाह हाफिज़. नए लेक्चर के साथ ज़रूर हाजिर होंगे. इजाज़त दीजिए मुझे. अल्लाह हाफिज़.